जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे रूट्स हैं और जो मुश्किलें हमारे बुजुर्गों ने सही हैं, उसको युवा देखे, उसको समझे और उसके अनुसार आगे बढ़े। उस दर्द को अगर आज की पीढ़ी महसूस कर ले तो उनके अंदर जो भावनाएं आएंगी वो कहीं ना कहीं देशभक्ति में सहायक होंगी। जैसे विभाजन विभीषिका हम देख पा रहे हैं उत्तराखंड में तीसरी बार 14 अगस्त को प्रस्तावित है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे लेते हैं पंजाबी समाज के लिए? 14 अगस्त 1947 का दिन मैं समझता हूँ कि बुलाया नहीं जा सकता, और वो विभाजन का दिवस था और जो त्रासदी उसमें हुई और जो लोग पाकिस्तान से निकाले गए और उनकी हत्याएं करी गई और जो जुल्म उन पर करे गए, उस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार संज्ञान लिया और इस कार्यक्रम को करने का उन्होंने आह्वान किया। उसके उपलक्ष्य में ही लगातार उत्तराखंड में तीसरी बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पहला कार्यक्रम रुद्रपुर हुआ, दूसरा कार्यक्रम देहरादून में हुआ और ये सौभाग्य कि इस बार ये कार्यक्रम हरिद्वार जिले को मिला है। तो इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य करने का प्लान है, उसी के लिए एक बैठक आज बुलाई गई। इसमें सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पाकिस्तान से आए थे, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, उनके जो उस समय के उन्होंने मुश्किलें सही, और आज पंजाबी कौम एक मजबूती से खड़ी है और अपने मेहनत के बल पे, अपने बल के पे उन्होंने जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाया, अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, और आज एक मजबूत कौम जो है पंजाबी मानी जाती है। तो उसके सभी को यादें संजोने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, एक यूथ को मैसेज देना चाहें, अगर जनसंख्या की बात करें तो अगर हम पूरे देश में बात करें तो जो पंजाबी समाज है या सिख समाज है जनसंख्या में नहीं है, लेकिन अगर हार्डवर्क की बात करें 0 से 1 और 1 से 100 पहुंचने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो एक यूथ को मैसेज देना चाहें, क्योंकि आजकल हमारा यूथ बहुत जल्दी में रहता है, जल्दबाजी में पैसे कमाने के लिए रहता है, लेकिन पंजाबीज को देख के टॉप 10 देखा जाए एशिया में तो उसमें भी पंजाबीज का बहुत रोल है, बहुत अच्छा एक पायदान पर हैं वो, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पंजाबीज की स्ट्रगल को, हार्डवर्क को कहते हुए? देखिए, इसीलिए कार्यक्रम किया जा रहा है क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे रूट्स हैं और जो मुश्किलें हमारे बुजुर्गों ने सही हैं, उसको युवा देखे, उसको समझे और उसके अनुसार आगे बढ़े कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत करी, कितना उन्होंने काम किया और कैसे सब कुछ छोड़ के वहाँ से आ गए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने दोबारा पुनर्जीवन अपना किया, व्यापार को बढ़ाया। तो ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य ही यही है कि युवा इससे कुछ सीखे और तब जब हमारी जड़ें मजबूत होगी, युवा बुजुर्गों को देखेगा कि कितनी मेहनत से और कितनी मजबूती से आ गए, तो युवा भी उस तरह काम करेगा, आगे बढ़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा। तो इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य यही है कि हमारी कौम आगे बढ़े, पंजाबी आगे बढ़े और एक मजबूत और अखंड भारत के लिए संकल्पित हों। सर, बीइंग एज पंजाबी कैसे देखते हैं, विधायक तो आप हैं ही, लेकिन एज ए पंजाबी अगर आप यूथ के लिए, हमारे जो अपकमिंग यूथ है, जो एक यंग ब्लड है, उनके लिए एक मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? देखिए, हमारे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, युवा एक बहुत अहम रोल प्ले करता है और हनुमान जी की तरह सोच होती है युवा की और वो सेवा करना चाहता है, जैसे हनुमान जी ने राम की सेवा करी थी, इससे युवा भी देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, तो उसको एक राह दिखाने की ज़रूरत है। तो ये कार्यक्रम उसको राह दिखाने के लिए, तो मैं यही आह्वान करूँगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि हमारा युवा अच्छे कामों में लगे, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सेवा में आगे बढ़े और अखंड भारत बनाने का संकल्प ले और जो हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुड़की के एक फेमस फेस हैं, चाहे पॉलिटिशियन में कहो, बिजनेस में कहो या सोशल सर्विस में कहो, गगन आहूजा जी। गगन आहूजा, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं विभाजन बीबीसी का एक कार्यक्रम उत्तराखंड में पहल हो चुकी है, 14 अगस्त को होना प्रस्तावित हुआ है, तो एज अ बीइंग अ सोशल वर्कर, बीइंग अ पंजाबी, क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, कैसे हार्डवर्क करें? और क्योंकि जब भी हमारा पूरा स्टार्ट हुआ था, जो विभाजन हुआ था, कुछ नहीं था, सबको पता है, अगर हम रुड़की की बात करें, आसपास के क्षेत्र की, तो एक मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? बिल्कुल, माननीय जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर यह कार्यक्रम हो रहा है और ये बहुत अच्छी पहल उन्होंने करी है कि यूथ को उस दर्द से जोड़ें जो विभाजन के समय, उस समय हमारे बुजुर्गों ने महसूस करा था और उन्होंने जो शहादत भी दी थी अपनी, तो उस दर्द को अगर आज की पीढ़ी महसूस कर ले तो उनके अंदर जो भावनाएं आएंगी वो कहीं ना कहीं देशभक्ति में सहायक होंगी। देखिए, आज बांग्लादेश में वो भावनाएं विलुप्त हैं, तो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की प्रतिमाओं के साथ, मूर्तियों के साथ, ये नहीं चाहते कि कल को हमारा देश में वो हाल हो। हमारे अंदर एक जज्बा, एक श्रद्धांजलि उनके प्रति रहनी चाहिए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, फ़ख्र से खड़े हैं, और कहीं ना कहीं एक इमोशन यूथ के बीच में होना चाहिए। तो ये सम्मान हमें जो है उन्हें देना भी होगा और उस चीज़ को जो है यूथ अगर साथ में जुड़ेगा तो हम ही देश को आगे ले जा पाएंगे।
सर, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी जैसे मोबाइल क्रांति देखते हैं, सब लोग अपने आप में व्यस्त हैं, तो यूथ बहुत ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो बुज़ुर्ग हैं, जो ज्ञान उनसे मिल सकता है वो मोबाइल पे नहीं मिल सकता, तो कहीं ना कहीं जो एक दूरियां बन गई है उसको, डिस्टेंस को कम करने के लिए आप एक मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? देखिए, ये बैलेंस ऑफ लाइफ है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना पड़ेगा और हमें बुज़ुर्गों की गोद में सिर रख के भी हमें उनकी कहानियाँ सुननी पड़ेंगी। तो ये आज के यूथ को समझना होगा कि सब कुछ मोबाइल या साइंस नहीं है, कुछ ना कुछ नेचर भी है, प्रकृति भी है। ये आप देखते हैं कि एक शहर में रहने वाला आदमी परेशान होता है तो गांव की तरफ जाता है। अगर मैं बंद कमरे में परेशान हूँ तो मैं पेड़ की हवा खाने जाऊँगा। अगर मैं ऑफिस के वर्क से या दुकान के प्रेशर से परेशान हूँ तो मैं नदी किनारे टहलने जाऊँगा। यही हमारे बुजुर्ग हैं कि अगर आप मोबाइल से स्क्रीन में ज़्यादा अपने आप को खो देंगे तो हम अपनी मानसिक उम्र कम कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं जुड़ाव प्रकृति के साथ, बुजुर्गों के साथ, हमें एक भावनात्मक लगाव हमें रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों से, और उस लगाव को हम तभी रख पाएंगे जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमारा दिल की आवाज़ को जब हम सुनेंगे। जो सब कुछ हमारा दिमाग कर रहा है हमें उस पर फोकस नहीं करना है, कभी कभी दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए, और दिल यही कहता है कि सरल बनो, और सरलता इसी में है कि हम सब इकट्ठे बैठे बात करें, संवाद जो है वो बना रहना चाहिए हमारे बीच में। ये संवाद आज की यूथ पीढ़ी खोती जा रही है, वो एक कोने में चुपचाप बैठे रहना चाहती है, अपने में ही मगन रहना चाहती है, भीड़ बच्चों की मैदान में कम होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वापस उसी दौर को लाना है या एक बैलेंस बनाना है कि दोनों पैरेलल चलते रहें, तभी हम नहीं तो मशीन होकर रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये थे गगन आहूजा जी, जो एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, एक स्पोक्स पर्सन बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है, विभाजन विभीषिका जो हमारा प्रस्तावित है, और एक यूथ के लिए भी मैसेज दिया है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस एक बहुत ज़रूरी है, एक संवाद होना बड़े बुजुर्गों से बहुत ज़रूरी है। बने रहिए द न्यूज़ वायर नेटवर्क के साथ।